नमस्कार, मैं लीक सेहत पर चलने वाला पत्रकार एक वीडियो देखा भी देश के महानतम हिंदी पत्रकार का, जो पोलैंड के मार्शल लॉ तक के ज़माने में हुए मीडिया संबंधी शोध को पढ़ लेते हैं। बताया कि बहुत दिन से एक एनिमेशन पर काम कर रहे थे। एनिमेशन में दिखाया गया कि कैसे सरकारें पूरी दुनिया में मीडिया पर नियंत्रण कर रही हैं। बगल में हिंदी में काली स्क्रीन पर टेक्स्ट लगा हुआ था, डर की राजधानी दिल्ली। इनके डर के प्रोजेक्ट पर मैंने एक वीडियो पहले भी किया है, उसमें इनका प्रोपेगेंडा मैंने बताया है। इस वीडियो में पत्रकार महोदय ये बात साबित करने में लगे रहे कि कैसे चैनलों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के बावजूद सारे चैनल अब एक जैसे हो गए, कैसे कोई भी चैनल चार मुद्दों के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं करता। एकदम गंभीर सी आवाज़ में ये बताया गया कि टीवी देखता दर्शक मौत के कुएं के अंदर बैठा है, जिसमें टीवी अब एक महज ईंट बन गई। आप देखेंगे तो डर जाएंगे। मजाक कर रहा, हिंदी का पत्रकार भी मजाक कर सकता है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि रवीश कुमार जी को अब कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब उनके डायलॉग कांति शाह के फिल्मों के लुक्का और रंगा जैसे डॉन की तरह रेपिटेटिव होते जाने हैं। उनके पूरे प्राइम टाइम इंट्रो में आपको आपातकाल, डर, प्रोपेगेंडा, सरकार, नियंत्रण, यही सारे शब्द मिले। उसमें आप बाकी शब्द स्वादानुसार लगा लीजिए। जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा, रवीश जी आप भी प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं। जी न्यूज़ का अपना है, आपका अपना है, आप एक एक्सट्रीम में हैं, जी वाले दूसरे में। हालांकि मैं जी को नहीं देखता क्योंकि उसमें देखने लायक कुछ है नहीं, आपको देखता हूँ क्योंकि आपसे कुछ आशा है। लेकिन आप अब जी न्यूज़ और इंडिया टीवी बनते जा रहे हैं, वो इधर हैं आप इधर हैं, बस दोनों में और कोई अंतर नहीं। आपको नहीं लगता कि आपका चैनल भी कुछ खास नहीं कर रहा है, सिवाय इसके कि हर बात में सरकार के विरोध वाला एंगल निकाल लिया जाए। आप मीडिया में हैं तो आपको पता ही होगा एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या है, आपको पता ही होगा कि किस खबर को कैसे टिल्ट और स्लैंट देना है। जब सब मीडिया के चैनल ईट ही हैं तो आप कौन सा संगमरमर हुए जा रहे हैं? आप भी ईट ही हैं, आपका रंग अलग है। आपका रंग अलग इसलिए है क्योंकि आपको अब कोई देखता ही नहीं हमारे जैसों को छोड़कर, और यही कारण है कि आप स्टूडियो से ही क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि क्रांति में जनता का सपोर्ट चाहिए होता है, और आपकी बात कितने लोग सुनते हैं वो तो आपके पास शीट आती होगी वीकली, पता लग जाता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि जिसे कम देखते हैं वो बहुत ही बेहतरीन शो होता है, जी नहीं। आप अपनी पूरी ताकत इस बात को साबित करने में लगाए हुए हैं कि देश में आपातकाल आ गया है, लेकिन आप सिर्फ पांचवा मुद्दा ला रहे हैं इस बहाने, और वो है सरकार के विरोध में किसी भी तरह खड़े हो जाना। सरकार के विरोध में खड़े होना ठीक है, लेकिन आंख पर पट्टी बांधकर बस विरोध करना गलत है। आप कह रहे हैं ना कि सरकार जो चार मुद्दे दे रही है उसी पर बात होती है, तो फिर आप छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां समझ ही गए होंगे। आप लाइए ना बेहतर मुद्दे, आप जाइए ना अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में। आप कब तक मीडिया की मास्टरी करते रहेंगे? आप जो कर रहे हैं वो एक रात के लिए ठीक है, लेकिन लगता है कि आपके पास और कुछ न कहने को है न करने को। बाग में ही टहलाइए, क्या पता बाहर आ गई। नमस्कार।